हेलो एवरीवन, आज है 13 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस पावर के बारे में। 5% का लोअर सर्किट इसने लगाया है आज। कल इस कंपनी के नतीजे भी आए थे सामने और बात करेंगे वीडियो में जो रिजल्ट्स आए उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो भाई साहब देखिए, आज रिलायंस पावर के शेयर में गिरावट है और देखा जाए तो गिरावट पिछले 1 महीने से तो है ही, लेकिन पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से कुछ ज़्यादा ही गिरावट है। 43 रुपीज़ से लगातार गिरा है ये पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में, लगातार फॉल देखने को मिल रहा है। और भैया देखो, बाजार भी कुछ खास अच्छे मूड में नहीं है। कल भी बाजार भयंकर गिरावट वाला ही था, आज भी बाजार में भयंकर गिरावट ही देखने को मिल रही है। 3 दिनों से बाजार गंदे मूड में है। मंडे भी कुछ खास नहीं था, ट्यूसडे कल भी कुछ खास नहीं था और आज भी कुछ खास नहीं है। गिरावट है बाजारों में, अगर आप देखोगे तो लगातार फॉल दिखा रहा है सेंसेक्स, लगातार फॉल। और सबसे बुरी हालत कहीं पर है तो वो स्मॉल कैप और मिड कैप की हालत और ज़्यादा खराब हो रही है। यहाँ पर PSUs की जम के पिटाई हो रही है, FIs लगातार बेच रहे हैं, DILs कोशिश कर रहे हैं कुछ मतलब खरीदारी करने को लेकर, लेकिन फिर भी गिरावट है पूरे बाजारों में। रिलायंस पावर, हमने इसकी कई सारी कहानियां सुनी पिछले कुछ टाइम में, डेट फ्री होने को लेकर के पैसा चुकाने को लेकर, लेकिन लगातार ये गिरते जा रहा है। ये गिरावट की शुरुआत तब हुई थी जब फेक डॉक्यूमेंट इन्होंने एक बिड के लिए सबमिट किए थे, और जहां से सोलर एनर्जी की तरफ से, जो सोलर एनर्जी एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने इनको 3 साल के लिए बैन किया था, जिसके चलते एक मेजर फॉल देखने को मिला और आज भी वो गिरावट कंटिन्यू ही रहती नजर आई। जबकि नंबर्स जो आए हैं वो ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। अगेन, नंबर्स में भी बहुत कुछ है। देखो, ऊपर ऊपर से अगर आप नंबर देखोगे तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे, आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी नंबर लग सकते हैं, लेकिन अगर आप डीप डाउन जाओगे तो पता चलेगा कि नंबर क्यों बढ़कर आए हैं। यहाँ पर बात करेंगे उसको लेकर। तो सबसे पहले रिजल्ट्स के ऊपर ही चलते हैं। चलिए, तो जो रिजल्ट्स आए हैं, ये जो नंबर्स आप देख रहे हो वो लाखों में है, करोड़ों में नहीं। तो यहाँ पर रेवेन्यू में गिरावट आई है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में और ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिल रही है। इस बार का जो इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा वो 1760 करोड़ का रहा, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 2040 करोड़ का था। तो बहुत बड़ा फॉल है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पर। इवन इससे पहले के क्वार्टर में भी तकरीबन 2000 करोड़ के आसपास का ही रेवेन्यू था, वो भी कम रहा। तो देखा जाए तो रेवेन्यू इनका काफ़ी कम हुआ है, रेवेन्यू में काफ़ी बड़ी गिरावट सितंबर में हमें देखने को मिल रही है। पिछले साल के मुकाबले बहुत ज़्यादा गिरावट है रेवेन्यू में, पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी गिरावट है। और अगर आप खर्चे देखते हो यहाँ पर, तो 2190 करोड़ का खर्चा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर खर्चे को रेवेन्यू में से मतलब माइनस करते हो तो कंपनी तकरीबन 227 करोड़ के लॉस में है। ठीक है, 227 करोड़ के लॉस में रहा ये सितंबर क्वार्टर। अगर आप सिर्फ इनकम और रेवेन्यू को, सॉरी इनकम और खर्चे को ध्यान में रखते हो, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में जो ये वाला लॉस था वो तकरीबन 175 करोड़ का था और पिछले क्वार्टर में ये 73 करोड़ का था। तो देखा जाए तो उसके मुकाबले ये ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ आ गई जिसकी वजह से नंबर आंकड़े बहुत बड़े दिखने लग गए पॉजिटिव में, और वो था यहाँ पर गेन ऑन डी कंसोलिडेशन ऑफ सब्सिडरीज। यहाँ से एक ही झटके में 3230 करोड़ रुपये आए, एक ही झटके में 3230 करोड़। उसके चलते अगर आप देख रहे हो तो इनका जो एंड ऑफ द डे आफ्टर टैक्स और सब कुछ प्रॉफिट देखने को मिला, जो कंपनी लॉस कर रही थी वो प्रॉफिट कर दी आपको नजर आई, 2880 करोड़ का मुनाफा किया है। अब आप सोचो, इतना का तो इनका रेवेन्यू भी नहीं था। रेवेन्यू जो था इनका वो ऑलमोस्ट था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो था 1760 करोड़ का, और प्रॉफिट किया है 2880 करोड़ का। तो जाहिर सी बात है, ये जो गेन हुआ है सब्सिडरी से ये वन टाइम गेन है। ठीक है, इसको आप ये नहीं कह सकते कि अगले क्वार्टर में भी ऐसा ही होगा, वरना एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो कंपनी का अगर आप खर्चे और रेवेन्यू को अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो पिछले साल के मुकाबले भी खराब नंबर्स है इसके। अगर मैं खर्चे को और रेवेन्यू को यहाँ पर देखता हूँ तो पिछले साल के मुकाबले भी खराब नंबर थे इनके, लेकिन बचा लिया, यहाँ पर एक बड़ा गेन आया उसके चलते। और देखो, ये वन टाइम होता है, अगले क्वार्टर में ये गेन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि अगले क्वार्टर में जो इनके खर्चे हो, फाइनेंस कॉस्ट हो, वो शायद थोड़ी सी कम होती नज़र आए, क्योंकि अगर आप इनकी फाइनेंस कॉस्ट देखोगे तो वो कम हुई है। अगर आप यहाँ पर देखो तो 5000
सॉरी 560 करोड़ की फाइनेंस कॉस्ट है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 700 करोड़ से भी ज़्यादा की थी। तो फाइनेंस कॉस्ट कम हुई है, देखते हैं कि आने वाले क्वार्टर में चीज़ें कैसी पैन आउट होती है। लेकिन हाँ, नंबर उतने देख मतलब ऊपर ऊपर से देखोगे बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन वो क्यों आए हैं वो भी जानना और जहाँ ज़रूरी तक आज है। इसके वॉल्यूम्स की बात करें, देखो बाजार जस्ट अभी खुला है और ऑलमोस्ट 1 करोड़ 40 लाख से भी ज़्यादा के शेयर यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। खुलते ही 5% का फॉल था, अब थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहा है, देखते हैं कि आगे क्या होगा। कंपनी अगर आप देखो तो मार्केट कैप इसका तकरीबन 15,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें जाए तो तो जो देखिए, पी रेशियो है इसका वो नेगेटिव में है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, लॉस मेकिंग कंपनी है। लेकिन ये जो एक बड़ा गेन देखने को मिला है, शायद हो सकता है कि उसके चलते थोड़ा बहुत बस कुछ टाइम बाद जब अपडेट होगा तब देखना रहेगा कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव में आ जाए। ठीक है, जहाँ तक बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग को लेकर, तो देखो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 23.26% की है और प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। एक्चुअली में देखिए तो प्रमोटर की होल्डिंग कम है। ये प्रमोटर अगर आप देखोगे यहाँ पर तो भैया होल्डिंग ज़्यादा होनी चाहिए। एक्चुअली दिसंबर से लेकर सितंबर में प्रमोटर ने बिकवाली तो करी है। म्यूचुअल फंड की 0.10% का स्टेक है, 2.79% डोमेस्टिक के पास है। एफआईएस कुछ ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं यहाँ पर, 13.13% का स्टेक है उनके पास। रिटेल की होल्डिंग 26.84% है। और देखा जाए तो रिटेल की होल्डिंग जो थी वो पहले भी उतनी थी मतलब दिसंबर में, अभी भी उतनी ही है। और जहाँ तक बात करें अदर पार्टीज़ की, तो वो 33.87% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर बात करूँ मैं रिलायंस पावर को लेकर, तो देखो कंपनी जो है वो डेफिनेटली फंडामेंटली मतलब धीरे धीरे रिकवर तो कर रहे हैं, लेकिन बाजार देखो अभी उतने अच्छे मूड में नहीं है। और एक और झटका इनको लगा है ज़रूर, सोलर इंस्टीट्यूट जो जो भी SECI है वहाँ से इनको झटका ज़रूर लगा है कि उन्होंने इनको 3 साल के लिए बैन करा। तो जब भी खबर आई थी मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया भी था, उस दिन शेयर में गिरावट नहीं थी जब मैंने वीडियो बनाया था। मैंने कहा था कि गिरावट आनी चाहिए थी लेकिन गिरावट नहीं थी उस दिन, और उसके बाद के टाइम पे गिरावट हमें देखने को मिली। और आज के दिन अगर आप देख रहे हो तो जो नंबर्स आए हैं वो अगर आप ऊपर ऊपर से देखोगे तो बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन अगर आप डीप डाउन जाओगे तो पता चलेगा कि भैया क्यों ये नतीजे अच्छे देखने को मिले हैं। तो जब भी किसी भी कंपनी के जब रिजल्ट आते हैं, मैं इतना ही कहूंगा कि आर्टिकल पढ़ने से बेटर है कि भैया जाओ पढ़ो कि क्यों ये हुआ है। जब भी आप देखोगे यार रेवेन्यू से ज़्यादा प्रॉफिट आ गया, ठीक है, तो देखना ज़रूरी है कि क्यों आया है प्रॉफिट इतना ज़्यादा, और ये वन टाइम गेन होता है। तो अगेन मैं कहूँगा कि थोड़ी सावधानी बरतिएगा बाज़ारों में। कंपनी मेरे हिसाब से अभी भी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पावर सेक्टर जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जो टाइम होता है मतलब जो नवंबर दिसंबर का टाइम होता है उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते। इन इन दौरानों में जो अच्छी तेज़ी पावर सेक्टर में देखने को मिलती है वो कहीं ना कहीं आपको फरवरी के मिड या एंड से देखने को मिलती है, कि मार्च से जब गर्मियां शुरू होनी मतलब जब गर्मियां शुरू होती है तो जो डिमांड होती है पावर की बिजली की वो बढ़ जाती है। और ऐसे में हर जगह उन्हीं की चर्चा आपको देखने को मिलती भी है कि टेम्परेचर इतना क्रॉस किया इतना क्रॉस किया इतना मतलब क्रॉस किया, AC लोग लगवाना शुरू कर देते हैं घरों में, कंजम्पशन जो होता है इनडायरेक्टली वो बढ़ जाता है। तो आप इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। अगेन जो भी मैं कह रहा हूँ वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। खरीदारी बिकवाली करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रिलायंस पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।